हॅलो तिकडे बघ दिस इज द फ्युचर वैसे एंट्री आज बंद है क्योंकि बहुत सारे पीपल आने वाले हैं और यहाँ से अगर मैं एक व्यू दिखाता हूँ तो मैं नीचे बैठ जाता हूँ यहाँ से पूरा व्यू तो कि ऑसम है मैंने आज तक औरंगाबाद में इतना आपको देखने को मिलेगा और सबसे बढ़िया मैं आपको एक दिखा देना चाहता हूँ कि ऊपर वाला व्यू जो है जैसे कि मदर मेरी का व्यू है यहाँ से अगर आप अंदर आते हो ना गाइस तो मैं एक दिखा देता हूँ और अच्छा व्यू आपको एक मिलेगा यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे जैसे घंटी है तो अपने चैनल की भी घंटी कर देना सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ से पूरा एक व्यू देखिए कितना अच्छा है यहाँ पे अभी जो प्रोग्राम है वो होने वाला है 12 बजे के बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंजॉयबल होगा ये एरिया और मैं कैमरा घुमा देता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि बेंचेस के साइड में जो मेरी क्रिसमस लिखा होगा मैं दिखा देता हूँ हेलो वेलकम टू गाइस नंद किशोर ब्लॉग आज हम आए होंगे गेस कीजिए कि कहाँ पे आए होंगे अभी अभी हम आए हैं सेंट फ्रांसिस डी सेल्स महामंदिर बोलते हैं इसे जो कि औरंगाबाद का कहा जाता है कि सबसे पुराना जो है चर्च है वहाँ पर हम आए हैं और देखते हैं हमारा किस तरीके से इस ये ब्लॉग बनता है मैं आपको एक स्क्रीन दिखा देता हूँ जो कि आपको भी एक अच्छे यहाँ से एंट्री गेट है गाइस बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं कि व्यूज़ बोल सकते हैं व्यूज़ भी बहुत ही अच्छे इन्होंने किए हैं यहाँ पे और एक लेफ्ट हैंड साइड में पूरा व्यू राइट तो ये एक हो रहा है तो आगे क्या मिलता है हमें इस ब्लॉग में बहुत गाइस अभी अंदर जाते हैं देखते हैं कि क्या सीन है अंदर के फिर हम अंदर जा रहे हैं सिद्धार्थ को वही बोल रहा हूँ सिद्धार्थ बड़ी वहाँ पे जो बातें कर रहे हैं उनका एक फ्रेंड मिला है एक्चुअली सो मैंने फ्रंट से कैमरे से दिखा देता हूँ एंट्री गेट यहाँ से है सिद्धार्थ ने पूरा इंट्रोडक्शन दिया होगा इस चर्च के बारे में इस साइड में गाइस यहाँ से आपको एंट्री मिलेगी जो कि बहुत ही बढ़िया इन्होंने किया है यहाँ पे थोड़ा ब्लैक आता होगा बट थोड़ा एडजस्ट कर लेना इस ब्लॉग में सो यहाँ से आपको एक एंट्री मिलेगी अंदर वो जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं अभी पूरा शेड्यूल लगा है अंदर का तो वो भी हम जानेंगे लिखा है क्रिसमस इज अराउंड वेयर क्रिस्ट इज फाउंड ये लिखा है उसके बाद राइट हैंड साइड में देखोगे आप तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर 3 से 4 फोटोज लगाए हैं सबसे जो फर्स्ट वाला फोटो जो बताता है भूखे लेलन में अन्न यानी कि जो हंग्री है फीड द हंग्री यानी कि जिनको भूख लगी है या फिर जो खाना नहीं खा सकते उन्हें आप खाना दीजिए उसके बाद लिखे टहनलेस पानी यानी कि जिनको पानी की कमतरता है जो पानी जिसको पानी चाहिए उनको पानी देना चाहिए उसके बाद जो लिखा है विजिट द प्रिजनर यानी कि जो बंदी है वो बंदी को आप मिलना चाहिए इस तरीके से लिखा है उसके बाद आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा है कि सबसे जो पहला वाला है उसमें केयर फॉर द पुअर यानी कि और मराठी में लिखा है उघड़ा स्वस्त्र यानी कि जिनके पास जो नीडी पीपल है जिनके पास कपड़े नहीं होते हैं पहनने के लिए उनके कपड़े दिए जाए उसके टेंट द सिक यानी कि सेम है उसके बाद भी लिखा है आजारस बेड यानी कि जिसके पास रहने के लिए कुछ घर नहीं है छत्र नहीं है उनको तुम छत्र दो आश्रय दो शेल्टर दो होमलेस सेम वही कंसेप्ट है और उसके बाद सबसे जो लास्ट में लिखा है वो है बरी द डेड मृतांश पूर्णे यानी कि जो भी गुजर ग्लोरी टू गॉड गाइस आप यहाँ पे आओ विजिट करो मैं भी यहाँ पर वो सब जो है वो बता रहे हैं वो किस तरीके से वो
उनके प्रेयर्स करते थे, किस तरीके से वो यहाँ पर रहते थे, यानी कि आप जितना भी देखोगे उन्होंने हर कोई साथ, उन्होंने एनिमल को साथ रखा है उनका, यानी कि एनिमल को भी वो अपने घर का हिस्सा ही समझते थे वो। मुझे ये बहुत पसंद आया, छोटा जो हम बोल सकते हैं ट्री, ट्री राइट सीधा, हाँ ट्री, ट्री भी देखो बहुत अच्छी सजाई है हमारे यहाँ, उन्होंने ट्री को जो जो छोटे छोटे जो ड्रम्स लगाए हैं, उसके बाद बॉल्स, बॉल्स हम बोल सकते हैं, अच्छी तरीके से चेन भी बहुत अच्छी तरीके से सजाया, प्राउड ऑफ हम बोल सकते हैं औरंगाबाद, औरंगाबाद की बात ही कुछ अलग है, आप किधर भी चले जाइए ऑल ओवर इंडिया में, औरंगाबाद में जो मिलता है ऑल ओवर इंडिया में। यहाँ पे लाइट्स भी बहुत अच्छी है, हमारे पीक्स भी बहुत अच्छे आए हुए हैं, कमेंट में बोल देना कि अच्छे लगे तो। और एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा पूरा सजाया है इन्होंने, चर्च हम बोल सकते हैं, तो आप देख रहे होंगे अभी मैं ब्लैक हो रहा होगा, बट ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि यहाँ पे कैसा डेकोरेट किया है, और बहुत सारे लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं अभी, जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे बहुत ही जो सिनेमैटिक शॉट है मेरे कम होते जाएंगे। सिद्धार्थ तो बहुत परेशान है बिकॉज ऐसा नज़ारा तो सिद्धार्थ ने पहली बार देखा होगा। गाइज यहाँ पर मैं आया हूँ और आप देखिए जो छोटी छोटी चीज़ें उनकी, जो डिटेलिंग देखिए, जो अगर उनके आप पिलर भी देखोगे तो पिलर पे जो डिटेलिंग की है ना, डिटेलिंग आपको समझ में आएगी अगर ये करता है नंदू, तो आप वहाँ पर देख लीजिए एकदम डॉट डॉट हर चीज़ जो है एकदम बेहतरीन तरीके से उन्होंने बनाई। वो जो प्रोग्राम है 12 बजे के बाद सेलिब्रेशन किया जाएगा, हैप्पी न्यू ईयर भी बोल सकते हैं, हैप्पी मेरी तरफ से सबको, मेरी क्रिसमस सिद्धार्थ की तरफ से भी भाई, हैप्पी क्रिसमस टू ऑल। बट मैं ऑसम फैन हो गया हूँ यहाँ पे बहुत ही, मैं एक सिनेमैटिक शॉट आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ जो कि आपको औरंगाबाद में रह के भी नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आने के बाद बाहर देश छोड़ दो यार, आपने यहाँ पे बहुत कुछ है वो देखो, वो इंजॉय करो, मैं ब्लॉग वैसे ही निकालता हूँ हर जगह का हर प्लेस का, तो वॉच करते ही है। मैं एक सिनेमैटिक शॉट आपको पहले दिखा देता हूँ, तो ये चर्च में विजिट देना बहुत ही अच्छा यहाँ पे सजाया है, और हमेशा ऐसा ही रहता है हमारा औरंगाबाद। और एक ऊपर जा रहा हूँ मैं सीढ़ियों से, और यहाँ पे बहुत सारे जो बोल सकते हैं ना हम कि क्यूज मिलते हैं छोटे छोटे, जो पढ़ने से एक अच्छा लगता है आदमी को वो एक है, और यहाँ पे पूरी हिस्ट्री की भी पेंटिंग मिल सकती है आपको, मैं पीछे दिखा देता हूँ ऊपर जो यीशु ख्रीस्त है यहाँ पे, तो उनकी स्टोरी भी हम यहाँ पे आके देख सकते हैं। ऊपर थोड़ा म्यूजिशियन भी है, यहाँ पे शायद प्रोग्राम होगा, तो एक दिखा देता हूँ वो भी यहाँ पे। और यहाँ से एक बर्ड्स आई व्यू, मैंने जैसे बोला था मेरे ब्लॉग में कि मैं आपको एक बर्ड्स आई व्यू दे दूँगा यहाँ से कुछ, ये किशोर और रास्ते में ही मिल गए थे हमको, बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर है औरंगाबाद के, आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, कमेंट दीजिएगा, इनका नंबर मैं आपको सेंड कर दूंगा मेरे ब्लॉग में। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल
बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन होने वाला है। हेलो आज का ब्लॉग ना अपनी अपर्णा मैडम करने वाली। ठीक है आज का ब्लॉग अपर्णा करने वाली। कुछ भी नहीं है बंद करो। हेलो गाइस आई एम अपर्णा द फिटनेस फ्रीक विद शोर औरंगाबाद इनके ब्लॉग पे आपका स्वागत है गाइस। आज अपर्णा ब्लॉग करने वाली है। अपर्णा बात करेगी अभी। हाय सब लोग हाय तो करो पहले। हाय मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस हम लोग हाँ स्पेशल क्रिसमस के लिए आए हैं तो एक साथ सब लोग एक बार सबके लिए मेरी क्रिसमस। तो काबे दे यहाँ पे काबे वो आबे। सो गाइस अभी निकलते हैं मेरी तरफ से सबके तरफ से मेरी क्रिसमस राइट। नेक्स्ट ब्लॉग में हम मिलते रहेंगे ऐसे। सो अभी के लिए ब्लॉग कंटेंट खत्म हो रहा है यहाँ पे। ब्लॉग खत्म नहीं हो रहा है एक्चुअली। बाय हैव नाइस वीकेंड। यहाँ देखो एक बेल नजर आ रहा है सब लोगों को राइट। ऐसे ही बेल आइकॉन अपने स्क्रीन के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। औरंगाबाद सिटी के बारे में ब्लॉग बनाता ही हूँ। अगर आपके साथ कोई ब्लॉग बनाना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दो। मैं आऊँगा आपके साथ ब्लॉग बनाऊंगा। प्लीज शेयर एंड कमेंट करना। और हाँ सबसे पहले अगर मेरे कैप का जिसने भी पढ़ लिया होगा तो उसको एक सरप्राइज मिलेगा। मैं 5 सेकंड के लिए दिखा देता हूँ। अगर जिसने भी ये पढ़ा होगा तो मेरी तरफ से वो गिफ्ट मैं आपको दूंगा। सो देखते हैं कौन कमेंट करेगा इस पे। This is the future.